नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 9 अप्रैल मंगलवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी के सांसदों का प्रदर्शन, आंदोलन हुआ शुरू। मांग रखी कि एनआईए और ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्हें हटाया जाए, वो गलत काम कर रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डेरेक ओब्रायन को पुलिस उठाकर ले गई। 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा था, इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि एनआईए और ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्हें हटाया जाए। वहीं इससे पूर्व तीन सांसद अप्रीता घोष, शांतनु सेन और अबीर रंजन विश्वास भी मौजूद रहे हैं। वहीं तीन पूर्व सांसदों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी बीच देश की अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल, दो खारिज हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला भारी जुर्माना लगेगा, 10 अप्रैल को सुनवाई। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में तीसरी याचिका लगाई गई है। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। इधर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कल इसकी सुनवाई की जाएगी। और यहाँ बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम बजलाल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, जैसलमेर से उड़ान भरते ही आई थी तकनीकी खराबी, विशेष विमान से बाड़मेर पहुंचे मुख्यमंत्री। तकनीकी खराबी आने के चलते मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, जिससे मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा बाड़मेर के सोनरी में जनसभा नहीं कर पाए। बाड़मेर के सोनरी में उनकी जनसभा और विष्णु धाम दर्शन कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 2 दिवसीय बाड़मेर के दौरे पर हैं, लेकिन जैसलमेर से उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का पता चला और 10 मिनट के बाद ही हेलीकॉप्टर की वापस जैसलमेर में लैंडिंग करवाई गई। मुख्यमंत्री को जैसलमेर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम को हेलीकॉप्टर की जांच के लिए बुलाया गया। 4 घंटे का शेड्यूल बिगड़ गया, कई कार्यक्रम स्थगित हुए हैं जो कि आज होंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सोमवार रात्रि विश्राम बाड़मेर में करेंगे, सुंदरी में स्थगित हुई सभा आज होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को जनसभा आज करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 25 अप्रैल के बाद होगा बड़ा बदलाव, खत्म होगी बीएसएनएल की कॉपर लैंडलाइन सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में 25 अप्रैल के बाद अपने कॉपर नेटवर्क से जुड़े सभी लैंडलाइन नंबर और इनसे जुड़े उपकरण बंद करेगा। इससे दशकों से चल रही यह सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि कॉपर केबल को ऑप्टिकल फाइबर में बदलने से अधिकांश जगह लैंडलाइन नंबर नई सुविधा से जुड़ चुके हैं और इनमें दोनों जिलों में अब 250-350 कनेक्शन ही बचे हैं, लेकिन समय रहते उपभोक्ता इन्हें बदलाएंगे, तभी सेवाएं सुचारू रहेंगी। राजस्थान के इन दो जिलों में 25 अप्रैल के बाद ये बड़ा बदलाव होगा, बीएसएनएल की कॉपर लैंडलाइन सेवा खत्म कर दी जाएगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आरटीई में एडमिशन को लेकर आ रही है बड़ी समस्या, हजारों बच्चे रह सकते हैं प्रवेश से वंचित। राइट टू एजुकेशन यानी आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए कई बड़ी समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षा निदेशालय ने संशोधित नियम के मुताबिक आयु गणना की तारीख में बदलाव किया है। इस कारण प्रदेश के अंदर हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। संशोधित नियमों में कई बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश की बड़ी खबर, सिस्टम में हुआ बदलाव, अब नहीं चलेगी मनमर्जी, पार्षदों की प्राथमिकता के आधार पर ही होंगे विकास कार्य। अब राजस्थान के अंदर पार्षदों की ओर से बताई जाने वाली प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य करवाए जाएंगे, इसके लिए सिस्टम में बदलाव किया जाएगा, बकायदा कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पार्षदों की ओर से आयुक्त या फिर सभापति को कार्य की प्राथमिकता सौंपी जाएगी, इसके बाद उसका तकमीना बनवाया जाएगा, इसके बाद ही कार्यदेश जारी किया जाएगा। हालांकि आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक दर निविदा आचार संहिता से पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्य की शुरुआत आचार संहिता के बाद ही की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा राजनीति नहीं करें, भारत रघुवर का देश बाबर का नहीं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, धर्म विरोधियों को ठठेरी बांधेंगे। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि तंत्र मंत्र चमत्कारों के चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारा भला तो हनुमान जी के शरण पकड़ने से ही होगा। हनुमान जी जैसा बुद्धिमान ज्ञानवान कोई नहीं है, देवता ध्यान भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी सबका ध्यान रखते हैं।
कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों को मंच से उतारने पर विवाद मचा, जिस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसके कार्यकर्ता संत जैसे हैं और प्रसारक हैं। हालांकि 5 मिनट के बाद पदाधिकारियों को दोबारा बुलाया गया और मंच पर बैठाया गया। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह बड़ा बयान दिया कि राजनीति धर्म से चलती है, लेकिन राजनीति से कभी धर्म नहीं चलता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कल से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में इस सप्ताह सक्रिय होंगे 2 नए सिस्टम, 7 दिन तक रहेगा असर। राजस्थान में 10 अप्रैल से बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक्टिव होना बताया गया है। इसमें 16 अप्रैल तक बारिश का दौर बना रह सकता है। इस वजह से दिन का तापमान सामान्य 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रात का टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा। लोकसभा चुनाव की पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान में वोटिंग है। ऐसे में तापमान कंट्रोल में रहने से लोगों को वोटिंग के दिन गर्मी कम सताएगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 9 अप्रैल तक मौसम ड्राई रहने की संभावना रहेगी। इधर तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 10 अप्रैल के रात से ही पूर्वी राजस्थान के अंदर हवा के प्रभावी होने से पूरी हवाओं का बढ़ना बताया गया है। राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जना और बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है, जो कि आपको बता दें कि 12 अप्रैल तक एक्टिव रहेंगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, कहा मोदी की गारंटी झूठ का जुमला। गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम बजेलाल खुद के होर्डिंग लगवाकर जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज की तारीख में मोदी की गारंटी है तो वो झूठ है और जुमला है। 2013 में मोदी ने ईआरसीपी का वादा किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया। अब लोकसभा चुनाव आए तो ईआरसीपी पर समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन यह एमओयू कहां है किसी को पता नहीं है। सीएम बजेलाल शर्मा हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ईआरसीपी पर समझौता किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 13 करोड़ की हीरोइन। बीएसएफ पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 2.5 किलो के 3 पैकेट हुए बरामद। पाकिस्तान की ओर से भारत में हीरोइन तस्करी की कोशिश की जा रही है। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की है, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ठगी के मामले में पुलिस वालों की खुली बोल, फर्जी थानेदारों के बाद अब असली पुलिस वाले हो रहे हैं गिरफ्तार। जापानी पर्यटक के साथ हुई थी ठगी, जिसमें हुआ बड़ा खेला। जयपुर में पिछले कई दिनों से फर्जीवाड़ा करके थानेदार बनने वालों की गिरफ्तारियां हो रही है। अब तक 32 से ज्यादा फर्जी थानेदारों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी थानेदारों की धरपकड़ के बाद अब जयपुर पुलिस ने 2 असली पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन असली पुलिस कर्मियों ने जापानी पर्यटन के साथ ठगी के मामले में अपराधियों से सांठगांठ कर ली थी। बदमाशों से 7 लाख रुपए लेकर जापानी पर्यटक की ओर से दिए गए परिवार पर जांच बंद कर दी गई थी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सचिन पायलट के गढ़ में होगी पीएम मोदी की दमदार एंट्री, रोड शो के जरिए भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। 12 अप्रैल को दौसा में शाम 4 बजे रोड शो करेंगे। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ये राजस्थान में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को वो दौसा में 4 बजे रोड शो करेंगे। हालांकि वो सचिन पायलट की गढ़ में ये पीएम मोदी की बड़ी एंट्री होने वाली है। रोड शो के जरिए हुंकार भरी जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही हार की गारंटी है, न्याय पत्र पर सीएम बजेलाल ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेलाल शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनकी हार की गारंटी है। सीएम बजेलाल शर्मा ने कहा कि बजेलाल सरकार की भाजपा की नीयत साफ है, इसीलिए पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होती है, जबकि कांग्रेस की खुद की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में उनका घोषणा पत्र केवल दिखावा मात्र रह गया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की 25 सीटों पर 267 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। निर्दलीय और अन्य दलों ने बढ़ाई कांग्रेस और बीजेपी की चिंता। लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। इधर दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जबकि राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 267 प्रत्याशी मुकाबले में है, लेकिन इनमें से जीतेंगे तो 25 ही। ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर तो कड़ी टक्कर है ही, लेकिन कुछ निर्दलियों के साथ भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान तेजस और सुखोई। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है टेस्टिंग।
राजस्थान के हाईवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरे हैं। सांसोर बाड़मेर जिले के सटे अगड़वा से गुजरे इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फील्ड पर सबसे पहले लड़ाकू विमान तेजस को एंड शो मिला है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर में हड़ताल पर गए रेजिडेंट्स डॉक्टर्स, सरकार की कार्रवाई के बाद विरोध में उतरे डॉक्टर। राजस्थान में प्रदेश के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स पर की गई कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस पर बरसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल। उन्होंने कहा, मैंने हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़ाओ, कांग्रेसी और बीजेपी का कर रहे हैं प्रसार, तीन को पार्टी से निकाला। नागौर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। यही नहीं, उन्होंने गठबंधन को तरबूज का ढेर बताया है। जायल नागौर के गौरव में गांव रात आयोजित सभा में आरएलबी संयोजक बेनीवाल ने कहा कि मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे चुनाव में मत उतारो, मुझे 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी है, अकेला आदमी दिल्ली में नहीं लड़ सकता। केवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन की एक पार्टी के 5 लोग खड़े होते हैं, से वापस बैठ जाते हैं। गठबंधन तो तरबूज के ढेर जैसा होता है, सबका एक साथ ढेर लगाया ही नहीं जा सकता। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम सुधांश पंत अचानक जेडीए ऑफिस पहुंचे, अधिकारियों और कर्मचारियों की कंप्यूटर में पेडेंसी देखी, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्य सचिव यानी सीएस सुधांश पंत ने अचानक से जेडीए के ऑफिस पहुंच गए। पंत ने जेडीए मुख्यालय की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक करीब 40 कमरों का निरीक्षण किया। इसकी सूचना मिलते ही फौरन जेडीए कमिश्नर जेडीसी मंजू राजपाल भी पंत के पास पहुंच गई। इधर अधिकारियों के कंप्यूटर खोलकर पेडेंसी की स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि हालात संतोषजनक है, एक दो अधिकारी कर्मचारी जरूर लापरवाही कर रहे हैं, जल्दी उनके खिलाफ लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट पार्टी से हुए निष्कासित, पर हाथ के पंजे पर ही लड़ेंगे, बीएपी से गठबंधन के बावजूद नाम वापस नहीं लिया। राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर सियासत ने नाटकीय रूप ले लिया है। कांग्रेस ने सीट से अपने उम्मीदवार अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के बीच गठबंधन होने के ऐलान के बाद भी नाम वापिस नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि निष्कासन के बावजूद डामोर कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि निष्कासन से पहले ही पार्टी डामोर को चुनाव चिन्ह दे चुकी थी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार सोना प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 71,000 के हुआ पार। इस साल अब तक 7,977 रुपए बड़े दाम। सोना यानी आज 9 अप्रैल को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कारोबार के दौरान आज 10 ग्राम सोना 1397 रुपए महंगा होकर अब प्रति 10 ग्राम 71,279 रुपए हो गया है। वहीं ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।